रहीम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चीज़ स्टडी करेंगे वो सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है, और उसकी ब्रांचेस। फिजिक्स एंड ब्रांचेस, हमें पता है फिजिक्स क्या है, ठीक है। फिजिक्स में सर सबसे पहले देखते हैं बैकग्राउंड नॉलेज। हमें पता है वी हैव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, कौन कौन सी, द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें पता है कोर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है, दैट इज प्लाज्मा। हम लोग फिजिक्स में इन तमाम स्टेट्स का आपस में लिंक स्टडी करेंगे। ये तीनों, ये चारों स्टेट्स क्या हैं, हम कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एनर्जी को यूज़ करते हुए हम उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं, आपको पता तो चल गया होगा फिजिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में और इन चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, हम किस तरह से एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो फिजिक्स के हमारा जितने भी लॉज और प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे तमाम प्रिंसिपल्स हमें नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं फिजिक्स में हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। सबसे पहले आ जाएगी मैकेनिक्स, फिर इसके बाद हमारे पास आएगी हीट, फिर इसके बाद आ जाएगी साउंड, फिर हमारे पास है लाइट, लाइट का दूसरा नाम है हमारे पास ऑप्टिक्स, फिर इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद आ जाएगी हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, फिर इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, और जो लास्ट है हमारे पास वो है हमारे पास जियोफिजिक्स। अब हम इसके बाद टर्न बाई टर्न इन तमाम ब्रांचेस को डिटेल से देखेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का वर्ड मोशन से ड्राइव किया गया है। इस फिजिक्स के ब्रांच में हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किन लॉज और प्रिंसिपल्स की वजह से मूव करता है, उस ऑब्जेक्ट का फिर वो मोशन पर क्या इफेक्ट होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन से हमें क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। फिर सेकेंड हम लोग बात करते हैं हीट की। बात कर रहे थे हीट, हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डैट इज गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज। जब भी कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है वो जिस फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है वो होती है हमारे पास हीट। हीट हमारे पास डिफरेंट तरह से मूव करती है। जब हम लोग हीट में स्टडी करेंगे कि हीट क्या है, उसके फिजिकल एफेक्ट्स क्या हैं, हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे किन किन वेज के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो सकती है, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में हमारे पास आ जाएगा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इफेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है। अब जैसे आपके पास एग्जांपल है, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ को कुक करते हैं तो हीट किन किन वेज से आपका जो फूड कुकिंग है कर रही है, वो हम लोग इस ब्रांच में स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड। साउंड क्या होती है, आवाज़। साउंड ये भी हमारे पास एनर्जी की ही एक टाइप है जो वाइब्रेशंस की वजह से आगे मूव करती है। अच्छा, अब हम साउंड पे स्टडी करेंगे कि हमारे पास साउंड वेव क्या हैं, ठीक है, ये कैसे मूव करती हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। मतलब हम किसी भी तरह की आवाज़ है, ईयर ड्रम्स हो गए हमारे पास या पियानो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है लाइट। लाइट का आपको मैंने बताया था दूसरा नेम है ऑप्टिक्स, ठीक है। हमें पता है लाइट का जो मेन सोर्स है वो क्या है, सन है। अच्छा, अब हम लोग अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं कि लाइट क्या है, लाइट किस तरह से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग लाइट से बनने वाले कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास तमाम टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, फ्लैश लाइट्स आ जाएंगे, इवन माइक्रोस्कोप, हम जितने भी ग्लासेस, लेजर्स यूज़ करते हैं। द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड
वर्किंग एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लाइट एंड ऑप्टिक्स के बाद हमने जो नेक्स्ट ब्रांच स्टडी करनी है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इस ब्रांच में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली एक क्या चीज़ है, इसको हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं और इसके क्या क्या यूजेज हैं। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशनशिप है विद मैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जो मेन बात स्टडी करेंगे वो है एक चार्ज के बारे में। हमें पता है चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, ठीक है। हम देखेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जब वो रेस्ट में है या मोशन में। स्टडी ऑफ चार्जेस आर स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन एंड देयर रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसा कि जनरेटर वगैरह में हम लोग देखेंगे कि इसका क्या रिलेशनशिप है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स, अब जो हमारे पास एटम है, एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। जो मैटर में सबसे छोटी चीज़ होती है उसको कहते हैं एटम। अच्छा, एटम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एटम किन किन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। हमें कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम याद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ज़्यादा एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, इसे कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स। अब एटम में हमने बात की, हमारे पास एटम्स में थे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियर है इट्सेल्फ, इसके बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देखेंगे फिजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियर फिजिक्स है ये हमें बताएगी डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, और जितने भी पार्टिकल्स हैं विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है, कौन कौन से, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा है हमारे पास मैटर की फोर स्टेट, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी एक गैस लेते हैं, आप उस गैस को हीट करना स्टार्ट करें, जब हम उसे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पास कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने की वजह से उनमें क्या होगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब एटम्स में ब्रेकडाउन किस तरह से होता है, उनके इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एड अप हो जाएंगे, तो जो हमारे अब एक न्यू स्टेट बन जाएगी जिसे हम कहेंगे आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमारे पास एटम्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे, आइंस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं वो होंगे, और फिर हमारे पास क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स भी होंगे। तो ये जो तमाम चीज़ें एक जगह पर आपको कंबाइन मिलेंगे इसे कहेंगे प्लाज्मा, ठीक है। और हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करेंगे कि ये जो प्लाज्मा है ये क्या है, हम लोग इसको किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सिंपल, हमारे पास जो जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसके अंदर जब आप लाइट ऑन कर देते हैं उसके बाद जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो होती है हमारे पास प्लाज्मा। और एक बात आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये है कि हमारे पास जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्टेट एग्जिस्ट करती है वो है प्लाज्मा। जितने भी स्टार्स हैं, सन है, ये सारे के सारे प्लाज्मा से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज प्रोडक्शन एंड द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, हमारे पास जो लास्ट है फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स की ब्रांच, वो है जियो फिजिक्स। जियो, जियो का वर्ड हमारे पास क्या इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है अर्थ। तो हमारे पास जो भी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर हम उसकी फिजिक्स देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ज़मीन के इंटरनल अगर आप ज़मीन को ओपन करें, ज़मीन के अंदर चले जाएँ, तो उसके क्या क्या चीज़ें वहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे पास मैटर है ज़मीन के अंदर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है,
वो हमारे पास कहलाता है जियोफिजिक्स। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज नोन एज जियोफिजिक्स। ठीक है, ये देखते हैं बेटा हमारे पास ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोगों ने 8 ब्रांचेस स्टडी की हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो भी हमारे पास फिजिक्स है, हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्यों स्टडी करते हैं, इसकी हमारे पास ऐसी क्या वजह आ गई कि हमने फिजिक्स को इतनी पूरी इतनी बड़ी ब्रांच को बना दिया। ठीक है, चलिए सोचते हैं, आपके दिमाग में कोई आइडिया होगा, देखते हैं कि फिजिक्स हम लोग क्यों स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में जितने भी प्रोग्रेस हुई है, इंसान ने सबसे पहले जो एक बेसिक मशीन थी व्हील एंड एक्सल, उसके बाद उसको इवॉल्व करते गए और अब हमने आज इतनी डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स बना ली हैं, डिफरेंट टाइप्स की हमने डिस्कवरीज कर रही हैं, इन्वेंशन हमारे पास। अब एरोप्लेन है जिसकी हेल्प से हम लोग महीनों दिनों का सफ़र अब जस्ट चंद घंटों में कर लेते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास, ये तमाम इन्वेंशन फिजिक्स ही की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, जितनी भी दुनिया में प्रोग्रेस हुई है, ये तमाम की तमाम फिजिक्स की वजह से पॉसिबल है। अगर हमारे पास फिजिक्स ना होती तो हम इन सिंपल मशीन जो हम लोग आज से कुछ साल पहले चले जाएँ। ठीक है, कम से कम आप 20-25 साल बैठ जाएँ, हमारे पास जितनी टेक्नोलॉजी थी और अब की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करें तो ये जितनी भी चेंज आई है, रैपिड प्रोग्रेस हुई है, ये हमारी फिजिक्स ही की वजह से है। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अगर हम ये बात कहें कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी पॉइंट ऑफ फिज़िक्स यूज़ नहीं कर रहे तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। आपकी शायद हमारी लाइफ में कोई एक ऐसा पॉइंट हो कि जहाँ पर शायद ही कोई कि हम फिज़िक्स यूज़ ना कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी आज टेक्नोलॉजीज हैं, आप अपना मोबाइल ले लें, ठीक है, अपना लैपटॉप लें, एरोप्लेन्स लें, कार, बसेस, ये तमाम की तमाम इन्वेंशन, ये तमाम की तमाम चीज़ें जिन्होंने हमारी लाइफ को इतना आसान बना दिया है, ये तमाम चीज़ें हमारी फिजिक्स ही की वजह से हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले फिजिक्स को स्टडी किया, फिर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को स्टडी किया, फिर हमने देखा कि फिजिक्स हम लोग क्यों स्टडी करते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। लेक्चर देखने का आपको आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ अभी आपको क्लियर नहीं हुई तो आप हमारा पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कॉन्टैक्ट करें।